Life is full of difficulties and complexities, but there is always a way out. The Agra trip happened last year, and there I paid a visit to Shiroz, a cafeteria run by acid attack victims, which carries more life lessons. I don't know if I would call it a visit or a life transformation moment for me. We get so upset and bitter with pretty inconveniences in daily life that we lose hope, happiness and purpose. But looking at these Shiroz, S-H-E-R-O-E-S, Shiroz, yes, I realized they are no less than angels who after all this have the courage and confidence to win love, respect and lead a good life. A special thanks to Mr. Ashish Shukla, who helped me a lot and gave me an opportunity to interact with these acid attack victims. Ashish, I'm very, very sorry. Sorry from the core of my heart for being so late and lazy. My dear viewers, please watch this video. I know this video is going to be a little long, but please watch this video. Have patience. And if you find anything fruitful in this video, then please like this video and subscribe my channel. So let's start the video. Hello, so finally at my destination, the final destination for which I have traveled from Jaipur to Agra, and the place is Shiroz. It's a small cafe, and I am with Mr. Ashish Shukla, and he is the founder of this concept, brilliant concept, Shiroz. So basically the cafe is run by the acid attack victims, है ना, जो जिन पर अटैक किया गया. एंड उसके बाद भी ये कम इतने थोड़े से लोग यहाँ पर एक छोटा सा जगह में ये बताता है कि जिंदगी हमारी रुक नहीं जाती है. एंड फर्स्टली मैं इस जगह आने के लिए सिंस लास्ट 1.5 ईयर से आई बुक्स है. इट मीन्स यू कम एंड यू स्पेंड टाइम ओवर हियर. सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर. एंड यहाँ का शायद ये भी यहाँ पे खुल जाए. तो पहले मैं बात करूंगी मिस्टर आशीष से. जब आपने ये स्टार्ट किया, क्या आपके दिमाग में आया, व्हाट मेड यू फोर्स टू टेक दिस वेरी स्टेप? ऐसा नहीं कि कुछ दिमाग से आया शुरू हो गया. कोई भी अगर आप कार्य करते हैं तो इसका एक प्रोसेस होता है. आप अगर किसी चीज को बनाने लगते हैं तो इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस में आपको जाना पड़ता है और तब जाके कुछ चीजें निकल के आती हैं. तो 8 मार्च 2013 को एक हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था स्टॉप एसिड अटैक के नाम से. स्टॉप एसिड अटैक. ओके. और इसका मोटिव ये था कि एसिड वायलेंस को मुद्दा बने मेनस्ट्रीम मीडिया में, इसके बारे में बातचीत हो, इस पर डायलॉग हो और इस सर्वाइवर्स के जो भी संघर्ष हैं, जो स्ट्रगल है उसको समझा जाए और जो ट्रॉमा है उसको भी समझा जाए और क्या चैलेंजेस हैं उनके, मतलब क्या क्या वो सोसाइटी में समाज के सामने क्या कैसे वो चीजें निकल के आती हैं, समाज उन्हें कैसे सपोर्ट करता है या समाज में कैसे अलग रहता है. उन चीजों को समझने के लिए हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था स्टॉप एसिड. और जब 8 मार्च को कैंपेन शुरू किया था तो हमें भी बहुत आइडिया नहीं था इस इशू के बारे में या इसके बारे में उतनी समझ नहीं थी. तो बस उसको समझने के लिए हम लोगों ने शुरू किया. और फिर जब हमने जब एक्सपीरियंस किया फाइनेंशियली इसलिए क्योंकि आप पहली बात तो आप ज्यादातर जो अटैक हैं वो महिलाओं पर लड़कियों पर हैं और हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर महिलाओं को उतना एम्पावर नहीं किया जाता है. अब आज के दौर में थोड़ा चीजें बदली हैं. अर्बन आप देखेंगे तो वहां पर लड़कियां पढ़ रही हैं, गिटार पर अपने आप को स्टैब्लिश कर रही हैं. मगर जो जहां जिस बैकग्राउंड में ज्यादातर अटैक हुए हैं वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है. मतलब आप सोच नहीं सकती हैं उन्हें कैसे रखा जाता है, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है. तो ये था कि अगर और उसके बाद आपके ऊपर अटैक हो चुका है, आपके चेहरे पर अटैक हुआ है, आपके चेहरे पर अटैक है, तो चैलेंज और बढ़ रहा है. दिसंबर 2014 से हम लोगों ने कैफे में शुरू किया. 10 दिसंबर 2014 अभी आपके अच्छा और आपको पता कैसे चल रहा है, देखिए शुरुआत में क्या होता है कि हम लोग कैंपेन कर रहे थे, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे, बस जुड़े थे दिनों बच्चे कैंपेन में थे जिन तक हम पहुंच पाए. कैंपेन करते हुए हम बहुत सारे नए सर्वाइवर्स मिले. तो शुरुआत में तो जो लोग थे शुरुआत में 5 लोग थे, 5 लोगों ने इस कैफे को शुरू किया. और जब कैफे शुरू हुआ तो एक पॉजिटिव एक सकारात्मक
लोगों के बीच में वाइब्स पहुंचा कि सर्वाइवर्स थे जो वहां पर घरों में थे उन्होंने शीरोज के बारे में सुना या फिर किसी ने उन्हें शीरोज के बारे में बताया। लेकिन आप कैंपेन करते रहते हो तो बहुत सारे सर्वाइवर्स नहीं जाते, बहुत सारे कैंपेन हो रहा क्या इससे मिलेगा, वो क्या मिलेगा। तो इसलिए जब शीरोज आया तो शीरोज एक मतलब आपको जैसे आपको पता है आप कुछ कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर सकते हो, मगर आपके लिए कुछ ऐसा माध्यम आ जाएगा जहां पर आप कुछ कर सकते हो तो आप खुद ब खुद पहुंचोगे। ये नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, हाँ ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग आए जब शीरोज से शुरू हुआ तो मेरे लिए थोड़ा इजी हुआ है। जैसे पहले क्या था कि हमें जाना पड़ता था, हमें कुछ करना पड़ता था, तो अब क्या है कि आपको खुद आते हैं, तो ये अच्छा है। मतलब एक हम सकारात्मक बात कर रहे हैं, मतलब इनके पास ये बता रहे हैं कि कैसे आप अपॉर्चुनिटी को उन लोगों तक उनके कदमों पर आप रख रहे हो। पहले ये लोग आते नहीं होंगे, आपको जाना पड़ता था, इनको पहले हर जगह जाना पड़ता था, बट आफ्टर द अराइवल ऑफ दिस शीरोज कैफे है ना, अब लोगों को ये लगा कि अरे हमारी भी एक दुनिया है, हमारी भी कोई पूछ है ना, ये फीलिंग लाना हमारी भी कोई पूछ है, कोई हमें भी पहचानता है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। आपको ऐसा लगता है कि अभी पहले से कम हो गया है या फिर चल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कम हुआ हो, देखिए कम तब होगा जब सरकार इस पर काम करेंगे। सरकारों ने तो ऐसा कुछ काम तो किया नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की एसिड को एसिड प्रिवेंशन पे कोई काम नहीं हुआ, ये सबसे दुखद बात है, क्योंकि एसिड अटैक और रेप कभी देखती हूँ, ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप प्रिवेंशन पे काम नहीं करोगे, उसकी रोकथाम पे काम नहीं करोगे तो कैसे कोई भी चीज रुकेगी? तो आपने किसी आपने उस पर काम ही नहीं किया, और जब आप किसी चीज पे काम नहीं करते हो तो कैसे रोकी? अगर मैं एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ काम न करता हूँ तो मैं भी समस्याओं से रूबरू ना हो पाता, ना जान पाता क्या समस्या है, क्या चैलेंजेस हैं इनके। तो इसलिए कि आप जानो कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसके बाद क्या जिंदगी हो जाएगी, तो वो हम बता सकते हैं। आप अगर नंबर पूछें कि नंबर कम हुआ है तो मुझे नहीं लगता है, और एनसीआरबी भी कहता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कि नंबर तो कम नहीं हुआ, नंबर आगे पीछे थोड़ा एक दो नंबर पीछे होता रहता है, और जो बहुत सारे केसेस हैं वो अनरिपोर्टेड नहीं है, जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो आपके सामने आते हैं। तो ये चैलेंज है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना होता जो डायरेक्शन आए हैं, शायद वो भी डायरेक्शन ना आए होंगे। इट मींस कि इनका जो शीरोज है ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, the very first thing is he is requesting, he is making an awareness among us, ye hamare desh mein hum sab se request kar rahe hain, hum sabko aware kara rahe hain ki abhi bhi ye cheez kam nahi hua hai, ye badhte ja raha hai, and ye aware kara raha hai ki uske baad ki zindagi kya ho jati hai, but on the other hand ye ek he is a god like figure among us, भगवान के रूप में ये यहाँ पर है। नहीं भगवान के रूप में आप इसलिए हो क्योंकि अगर आफ्टर रेप और आफ्टर अटैक घर वाले रिलेटिव्स, अभी मैं आगे के वीडियो में भी ये लाऊंगी दैट हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड और दे वर बीइंग ट्रीटेड अर्लियर, तो सबको उन्हें अगर समाज से सोसाइटी से अलग कर दे उसके बाद भी ये भगवान रूप में है जो ये बताते हैं कि नहीं हमारी भी तुम्हारी भी दुनिया है और तुम्हारे लिए भी हम लोग सोचने वाले हैं, तो दैट्स अ बिग थिंग एंड आप बहुत ही बड़ा काम कर रहे हो। नमस्ते आपको, तो फाइनली अभी मैं इन लोगों से मिल रही हूँ एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू देम, बातें करूंगी, कुछ जानूंगी और बहुत कुछ सीख कर जाऊंगी मैं। आप इसे कोई भी मुझे ऐसा बताएंगे कि आपके साथ ये कब हुआ ऐसा? हाँ बताओ मम्मी। अच्छा आप दोनों मम्मी बेटी हो? अभी मैं बात कर रही हूँ, शी इज़ द मदर एंड शी इज़ द डॉटर, है ना? आप थोड़ा जोर से बोलना। ये मेरी बेटी है और मेरा नाम गीता, आगरा से बिलोंग करती और मेरे को अटैक हुआ तो 1992 का केस है मेरा, और मेरी बेटी जब 3 साल की थी अटैक हुआ था, उसके पापा ने दिया और एक छोटी बेटी मेरे साथ खत्म हो गई, दो दो महीना दिया क्यों किया? तो जगह के चक्कर में प्रॉपर्टी को लेकर मेरे परिवार बारे में और मेरे पति से बात किया कि लड़की बीच में लेनी कि बेटी बेटी हो रही है, बेटा नहीं उसे मैं छोड़ दे और उसी शादी करा है बंद करवा तो मैं बात है। तो उस टाइम अभी आप तो उस टाइम जब ऐसा हुआ तो आपके सपोर्ट में कौन थे? मेरे सपोर्ट में मेरी माँ, मेरे भाई और एक आध मेरे परिवार के लोग, बाकी कोई सपोर्ट कोई नहीं था। नहीं मेरे पापा तो इतना ही, मेरी माँ। तो फिर अभी मैं देख रही हूँ आप सिंदूर भी लगाए हो, बिंदी भी लगाए हो, शादी हुई थी मेरी तो जी 3 साल की मेरी बेटी शादी है छोटी मेरी जो। अच्छा वही शादी है? हाँ हाँ साथ में।
भगवान के लिए क्या बोलूँ मैं, जब उन्हीं के साथ रहती हूँ। अभी उनका रुख कैसा ऐसे ही है? रुख ऐसे ही है, मगर इतना है कि जब मारपीट करते हम थे अभी भी 5-6 साल पहले, अब इतना रुतबा बन गया है कि ऐसी रोते जुड़े कहाँ हैं इनसे सुन के नहीं है, वो खुद डरता है पत्ती के थोड़ा सा बोलने का किसी भी, मगर कैसे यानी कि शिरोज आया तो आपके पास एक हथियार आया, हिम्मत आई। हाँ, उससे पहले समाज ने ऐसा छोड़ दिया कि अब समाज का हिस्सा। आपको कब तक ऐसा फील होता था कि आप समाज के हिस्सा नहीं हो, लोग आपको अलग समझते थे? फील का यही है कि मन में आ तो रोती, मैं सबसे पहले मैंने शीशा देखा तो जैसे मैं रो रही अगर लड़की छोड़ देगी तो बाहरी खेल रही तो मेरी माँ का लोग अगर मैं मतलब बात करना छोड़ दिया ऐसा ही है कि ऐसी होगी जब लोग आपका नाम क्या है? नीतू। अभी इनके फादर की इनकी नजर में कैसा है, कैसा है आप बताओ मुझे? मतलब कि ठीक बोले तो कैसा, अभी आपको वो मानते हैं या फिर थोड़े से कड़ी हैं? मतलब मेरे को जैसे कि अगर मान लो कुछ भी मैंने जैसे ड्रिंक कर ली, लाइक गलत कर गया तो अगर मम्मी कुछ कहेंगे तो मम्मी को जवाब दे देंगे, छोटी बहन कुछ कहेगी तो उनको जवाब दे देंगे, बट उसको जवाब नहीं देते हैं करने से या ना करने से तो कोई नहीं, मतलब कुछ बदल तो नहीं सकता ना, तो ना तो वो हो गया, बट ये है कि ठीक है अभी साथ में ही है, लेकिन ये है कि अच्छा उनका व्यवहार है। कितनी मतलब आप इनकी शादी के लिए सोचते हो? ये खुद नहीं चाहती थी, क्यों नहीं चाहती? मैं इतनी खुशी में खुशी हूँ, हमें शादी करना सब कुछ नहीं होता जीवन में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जीवन में करनी होती है, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी तो जीवन नहीं कटेगा, शादी का होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। इनसे बात करने के बाद मुझे अंदर से फील आ रही है कि जिस हस्बैंड ने इतना अत्याचार किया उनके साथ ही आज भी है। आई हैव सीन सो मेनी केसेस इन माई फैमिली और अगल बगल के लोगों में, एक हाथ लगा दिया ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो कोर्ट कचहरी तक कभी लोग पहुंच जाते हैं, बट जिस जल्लाद ने ऐसा किया ये उनके साथ है, इनकी बेटी साथ में है, ये बहुत बड़ी चीज है। 3 साल कीजिए और लोग बाग ने बहुत की नहीं इसके बारे में, की नहीं जमाना बहुत खराब आएगा, वास्तव में सही बात है उनकी बातों में चलती था जो भी लड़की, मुझे इसका बहुत गर्व है कि बात अच्छी तरह से कर ली और मेरी बातों पर तो नौकर समझ नहीं पाते थे कि तुम बताओ क्या बोलना है तुम्हारी मम्मी, हम अच्छे तरह से समझ नहीं पाते हैं और मेरा कोई बदलाव नहीं आया, जैसे मैं बात करती वैसी करती हूँ, भैया लोग बहुत समझाते हैं। लेकिन इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मैं इनसे पूछी शादी के लिए क्या सोच रहे हैं, उनका जवाब है कि शादी सब कुछ नहीं होता है, तो लोग बाग इसके बारे में सोची कि जहर की गोली का बाद इन्हें जमाना बहुत खराब, तुम आज है कल नहीं है, उनको कौन देखभाल करे आज नहीं तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ये बहुत बड़ा परिवार है, नहीं परिवार है ये और ये हेड ऑफ द फैमिली यहाँ पर बिल्कुल, और इनकी वजह से कैसे कहते हैं जी बात खुद बताइए। आज ये लोग शायद पहले सपोर्ट में होते तो शायद ऐसा नहीं होता, बोले जिनके साथ में मेरी मम्मी ने मतलब वापस लिया उन्हें तो शायद कुछ सपोर्ट मेरा होता तो ऐसा नहीं होता शायद, कोई नहीं बट बाद जब ही आए ना और वो अब जी रहे ना तो वो जीते नहीं, 4 महीना में घबरा गो और साल भर में ही। आप लोग इन तक कैसे पहुंचे बताइए, नहीं तो बताओ। मैं इन तक पहुंची थी 2014 में और मतलब मैं कहीं चाह रही थी अपने आकर मम्मी के साथ, तो यहाँ पे एक लड़की है संध्या नाम, वो मुझे ऑटो में मिली और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं फेस कवर करके कभी नहीं चली, मतलब जब से मैंने वो संभाला मैंने फेस कवर किया ही नहीं, तो मैं ऐसे चलती हूँ। ये बहुत समझदार इंसान है, तो उन्होंने पूछा कि मतलब तुम्हारी बेटिया के साथ क्या हुआ है, तो पहले मतलब तो यहाँ पे सब कोई आए और यहाँ पे बैठे लाइब्रेरी भी रहती हमने कि लोग हमें टाइम स्पेंड करे पड़े, तो अच्छी बात कर रही है कि पहले इन्होंने जब स्टार्ट किया तो मेन्यू में प्राइस नहीं रखा था, देखो फिर आना है नहीं आना है, प्राइस ज्यादा है कम है, लाइक और यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से बुक है, बुक्स है, रैप्स बने हुए हैं, सो इट मीन्स कि यू कम हियर यू इंटरैक्ट टू अस, हमारे बारे में जानो, हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं वो समझो, अवेयरनेस क्रिएट करो एंड हम लोग उसके साथ रहो, क्योंकि दूसरी तरफ इनके साथ कोई नहीं था, इनके साथ कोई नहीं है अभी भी, अगर ये हमारा शबनम आप कहाँ से हो? मैं अलीगढ़ से बिलोंग, अलीगढ़ से रहती हूँ। आपके साथ ये कैसे हो गया? मेरे साथ मेरे ठेकेदार ने किया था।
अच्छा क्यों? वो बोलते हैं कि वन साइड लेकिन मैं नहीं मानती ये वन साइड अभी, क्योंकि उसकी हस्ती जो मिट नहीं पाई उसने एसिड के थ्रू अपना मन हल्का कर लिया। फिर उसके बाद आप इन तक कैसे आए? वहीं पर एक मैं अपने मुझे कंपनी मिला था 5 लाख का, तो वहाँ पर मैं अपने चेहरे के लिए अलीगढ़ जा रही थी। मैं अलीगढ़ से थोड़ी दूर पर रहती हूँ सिकंदरा, तो मैं अलीगढ़ जा रही थी। वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली आसमान नाम की। मेरे घर वालों का नजरिया, मेरे अपनी जो फैमिली थी उनमें कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जो अदर लोग थे मेरे नानी के यहाँ के, मेरे दादी के यहाँ के, उन्होंने मुझे सबने मुझे एक अलग समझना स्टार्ट कर दिया कि ये समाज का कोई हिस्सा रही नहीं है सत्यवादी। अब हम लोग का नजरिया बदला? हाँ, मेरे दादी के यहाँ के सारे पूरे ननिया पूरे मुझे आज सपोर्ट करते हैं जब मैं यहाँ पर जुड़ी, और मेरे महल के सारे मुझे बहुत अच्छे से बात करने लग गए हैं। और यहाँ तक कि मेरा भाई उसमें एक ऐसा था, क्योंकि वो लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाता था, क्योंकि वो मुझे अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करता था। आज मुझे वो खुद मुझे बोलता है कि शबनम ट्रीटमेंट, अभी उसका इतना बहुत हार्ड एक्सीडेंट हुआ था, उसने मुझे बोला कि शबनम छुट्टी लेके तुझे ही आ रहा है। तो वैसे मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा छुट्टी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई ने चलो इस लाइक को समझा कि उसने मुझे यहाँ तक बुलाया और मेरे साथ चलने के लिए, कि मुझे खुशी है कि यहाँ से मुझे एक मेरी फैमिली भी, यहाँ की फैमिली तो मेरी अपनी फैमिली हो गई, अपनापन मिला। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक आशीष जी, आप इतनी अच्छे काम कर रहे हो। पहला कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को उनकी ना आइडेंटिटी दे रहे हो, जैसे हम बता रहे हैं कि पहले जब ऐसा हुआ शिरोज में आने के बाद, शिरोज ज्वाइन करने के बाद लोगों का नजरिया इनके लिए बदला और अब इनकी एक अपनी पहचान है। आप कितने अच्छे काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मधु है आपका नाम? है जी। आप कहाँ रहते हो? मैं आगरा से हूँ। ताजगंज रहते हो? कैसे हो गया आपको? बनता लगता था काम बिरा देता वो चाहता था, मगर मैं नहीं चाहती थी। तो फिर आपने पहले घर पर नहीं बनाया अचानक से, मतलब कैसे हो? नहीं नहीं, वो तो ऐसे क्या बताती हूँ, जरा जरा सी बात मैंने, ये तो आजकल लड़के ऐसे करते हैं छेड़ते हैं, क्या बताएं। और दूसरी बात बताते हैं तो फिर ज्यादा तो मम्मी को भी डिस्टर्ब होता, मम्मी भी अकेली थी, पापा एक्सपा भी जॉब नहीं जाती थी तो मुझे जॉब नहीं देता। मैंने एक बार तो मैं मसाले की फैक्ट्री में गई, वहाँ पर अंग्रेजी लेबर की तरह मैंने काम किया। जो बात तो आप हमें मिर्ची भी चली गई, तो मुझे किसी ने देखा तभी नहीं, और कभी ऐसा लगता है इससे तो लोगों ने पढ़ा लिखा अच्छा है। तो कुछ फर्क लगता है यहाँ पर आने में? बहुत लगता है, क्योंकि पहले तो कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन अब तो हर कोई पूछता है। पहले ज़्यादातर तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई आना तो ये सोचता है ऐसी आई है वैसी आई, एल पी सर फिर जाएगा ऐसे, कौन नौकरी देगा, कौन क्या करेगा, कोई ज्यादातर बात नहीं करता था। हमारे रिश्तेदार में भी ससुराल की तरफ से कोई ढंग से बात नहीं करता था। अब सही नहीं है। और फिर मैं यहाँ से जॉब करने लगी, तब से यहाँ से कई और भैया लोगों से बोला कि यहाँ से जॉब पर मिले लड़कियों को, लेकिन हम लोग खुद नहीं जाना चाहते, क्योंकि मुझे यहाँ से अच्छा फ्रीडम हमें कहीं नहीं मिलता। बट जितने जो लोग कह रहे हैं ना कि आप रिसेप्शनिस्ट लायक नहीं हो या फिर आपका चेहरा अच्छा नहीं है, बट उन बेवकूफों से मैं बोलूंगी कि आप लोग बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि इनके चेहरे पर वो सच्चाई, वो इनोसेंस, वो पेन आपके दिल में जो है वो दिखता है। आप लोग बहुत सुंदर हो। मुझे ये एनर्जी तो मुझे यहाँ पे मिली, क्योंकि ये रूपा थी, ऋतु थी, मैंने इन लोगों को आते ही देखा पहली बार, तब मुझे ऐसा लगा था मेरे फेस नहीं है, मैंने ये ना देखो मैंने इनसे। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी बहन का देवर था, और वो ये बोलता था कि उसने मेरे ऊपर इसलिए डाला वो मुझसे शादी कर लिया। मैंने कभी घर पर नहीं बताया, मैंने घर पर उसने मुझे एक दफा बोला था, बट सबको मालूम थी, वो सबसे मम्मी मेरे बताने की जरूरत नहीं है, वो साफ मेरे घर पर बोल चुका था। तो बट उस टाइम ही बोला था, जिस टाइम हम लोगों ने ना करा, जिस टाइम मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने, हम लोगों ने ना करी, वो उस टाइम ही बोला। लोगों का नजरिया ऐसे बदला था, करी मेरी भाभी तो कुछ मैंने उनके मुंह से बोल तक कैसे थी, तो क्योंकि वो मेरे घर में थी, और फिर मैं मेरा भाई बोलता अगर वो बोल रही है तो मैं तो नहीं बोल रहा हूँ।
ऐसे उसने मेरे चेहरे पर डाला ना, चेहरे पर डाला ना कि मेरे माँ और मेरे दिल पर डाला, इनके चेहरे पर डाला, दिल पर नहीं डाला, क्योंकि जो मेरे दिल में वही तो करना है। ये आपके साथ कैसे हो? मेरा अटैक 2012-12 मई को हुआ था। लेकिन क्या लोगों का नजरिया कभी बदल गया? और जिस बंदे ने आप पर एसिड फेंका वो हाँ दिखता है वो, पर उसका मेरे से सामना करने की हिम्मत नहीं होती है। जब आदमी जाती हूँ वो मुझे मिलता है और जानबूझ के सोचती हूँ कि वो मुझे मिला है, क्योंकि जितने पल पल वो मुझे देखेगा और मेरे मोतियों को देखेगा, मेरे धूमधाम देखेगा, तो वो खुद ही उसे मरता चला जाएगा। और मर तो वक्त हो चुका था, लेकिन जाने के पहले हम सब ने बहुत मज़े किए, बहुत मस्ती किए, खाए, एक दूसरे को खिलाए, हंसी मजाक किए। यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची शबनम की बेटी है। शबनम ब्लैक कलर के कोट में है। यह बच्ची हर दिन स्कूल जाया करती है और स्कूल से आने के बाद इस बच्ची का शिरो सेकेंड होम हुआ करता है। यहाँ पर यह बच्ची सबका मन लगाती है और सब इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने शिरोज में सबसे ज़्यादा समय बिताया नीतू के साथ। नीतू को दिखता तो नहीं है, लेकिन नीतू को मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक है और ये कई तरीके डिज़ाइन अंदाज से बताया करती है। बातें तो नीतू इतनी समझदारी की करती है कि समझदार लोगों के होश भी उड़ा देंगे। और नीतू की गायकी अगर कोई जान ले तो वह क्या बात है, बहुत ही सुंदर गाती है नीतू।